And women are homeless. ने सामान था घर में वो सब डैमेज हो चुका है। टू आवर्स के बाद घर से फोन गया और घर से बोला कि पानी पूरा हो गया। ये दर्द भरी आंखें और ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। इस तबाही के मंजर को देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक तिरपाल से बने टेंट में अपने दिन काट रहे ये लोग असम के जिले मोरेगांव के मोरकोलोंग रैना पत्थर गांव के रहने वाले हैं। सभी का एक हंसता खेलता परिवार था, पक्के घर थे, खेत खलियान थे, पर एक बाढ़ आई और सब बहा कर ले गई, जिसने इन्हें सड़क के किनारे रहने को मजबूर कर दिया है। मोरकोलोंग रैना पत्थर गांव के किसान परिवार अपने घरों के साथ साथ अपनी खेती के लिए भी चिंतित हैं। अगर खेत नहीं होंगे तो क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? ऐसे में इनका जीवन भी बवंडर में फंसा है। ये लोग पिछले एक महीने से बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं, जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं। इन लोगों की संख्या तकरीबन 500 है। इस विनाशकारी बाढ़ ने गांव के सभी घरों को क्षतिग्रस्त कर दिया। भले ही बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन दूर दूर तक यहां तबाही का मंजर ही नजर आ रहा है। 3 to 4 hours पूरा फ्लड हो गया था। जब एक्चुअली मॉर्निंग उस दिन एक्चुअली मेरा बड़ा दादा जो है उनका बीमार भी हुआ था। मैं उस दिन घर था ही नहीं। बड़े दादा को लेकर सुबह चला गया गुवाहाटी नेफ्रोलॉजी हॉस्पिटल जो है जीएमसीएस न्यू बिल्डिंग, वहाँ लेकर ले गया था। ले जाने के बाद टू आवर्स के बाद घर से फोन गया कि यहाँ से बोला कि पानी पूरा हो गया। इस युवा की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि आखिर इनके दिल पर क्या बीत रही है। जब इस गांव में बाढ़ आई तब लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए बस भाग रहे थे और घर में रखे सामान को बाढ़ का पानी अपने साथ बहा ले गया। आप लोग तो जानते ही हैं, गांव के लोगों के साथ गोरू, उसके बाद बकरियां, ये सब रहता ही है। ये सब लेकर जैसे तैसे पार हुआ था पानी में ही, फ्लड में ही जैसे जैसे पार होकर गया था। और सामान के रूप में जब कि अब एक्चुअली खाना बनाने के लिए जो सामान लगता है वो ही सिर्फ ले गया था। बाढ़ में इन लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया। इस तरपाल में पढ़ाई करते ये बच्चे ना जाने कब स्कूल जा पाएंगे। इनके भी जिंदगी पर इस बाढ़ ने ग्रहण लगा दिया। इन अस्थायी शिविरों में रहने वाले लोग हर तरह से परेशान हैं। बिजली ना होने के कारण रातों की नींद उड़ गई है। ये मंजर किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। इस गांव के लोगों की सरकार से बस एक ही उम्मीद है कि उनकी और भी कोई देखे, उनकी सहायता करें।